रेसी फूड के किचन में बनने जा रहा है गोभी गोश्त। फर्स्ट टाइम ऑन आवर चैनल। राही मुझे कहते हैं कि हमारे चैनल पे गोभी गोश्त क्यों नहीं है, तो हमने सोचा चलो आज बना देते हैं, क्योंकि ये राही की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पे हमने लिए गोभी करीबन 700 ग्राम, ठीक है। सेम हमने क्वांटिटी यहाँ पे गोश्त की रखी है, अराउंड 700, मतलब उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा, ठीक है। और अपने हिसाब से साइज रख लीजिए। यहाँ पे टमाटर हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज के, और उसको फाइनली कट कर लिया है। और थोड़ी सी हरी मिर्च रखी है, ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहे तो ना डालें। 2 बड़े साइज के प्याज ले लिए थे और इसको फाइनली हमने कट कर लिया है, ठीक है, बारीक बारीक। अच्छा, मसाले लेंगे, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, क्वांटिटी ज्यादा रखा करें, ग्रेवी अच्छी बनती है। रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, जीरा पाउडर यहाँ पे 1 टेबल स्पून, हल्दी यहाँ पे 1 टीस्पून, और यहाँ पे चुटकी बराबर, मतलब थोड़ा सा ही ले लें आप अपने हिसाब से गरम मसाला, क्योंकि ये होममेड है, ज्यादा मैंने लिया नहीं है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, खड़ा मसाला यहाँ मैं डालूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने साबुत जीरा लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, 1 इलायची ली है, और थोड़ी 1-2-3 लौंगे ली है, मतलब ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मुंह में आना भी अच्छा नहीं होता। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं अराउंड 1 कप के करीब ऑयल लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं, क्योंकि इसमें प्याज होगी फ्राई। अच्छा, ये देखे मैंने थोड़ी सी प्याज डाल के देख ली थी, गर्म हो गया है ऑयल, और यहाँ हम प्याज को डाल के इसको फ्राई करेंगे प्रॉपर, काला मत करिएगा, लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन, ठीक है। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दें। और राहिल आज कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोलिए प्लीज। मैं कुछ नहीं बोलूं। नहीं, क्यों? बस नाराज हो गए आप लोगों से। बस सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को उठाएं, लाइक भी दे दिया करें। सबसे नाराज हूं मैं। कुछ नहीं होगा, कोशिश करके देखे, सब्सक्रिप्शन देके, कोई धमाका नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल खामोशी से टुक सब्सक्राइब हो गया। क्या है, आप लोग घर में ट्राई करते होंगे हमारी रेसिपीज, लेकिन दावत में आते हैं, रिश्तेदार दावत में गेट टुगेदर में बैठते हैं, तो हमारी वीडियो को दिखाएं, वो पसंद करेंगे। अच्छा है, कोई नहीं घर में बनाएंगे, बहू आ जाए घर में, नहीं हमें उनको दिखाएं, बोले बेटा इस तरीके से पकाओ खाना, सासू माँ खुश हो जाएंगी, उंगलियां चाटेंगे अपनी अपनी, हाँ आप लोग इधर की, हाँ अपनी, ये बोलना जरूरी होता है, ज्यादा उंगलियां चाटे, हाथ की, हाथ की, ये भी जरूरी है, बात पूरी करा देते, हाथों की उंगलियों को चाटा करें, चाटे। और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक भी दिया करें। हम हर दफा बोलते हैं कि प्लीज कोई फरमाइश हुआ करे तो बताया करें, ये हमारे एक तो राहिल को पसंद है, दूसरा एक हमारे भाई है आईलैंड में, उनकी फरमाइश पे ये वीडियो बन रही है, क्योंकि उनका कमेंट आया था कि आप प्लीज गोभी गोश्त ट्राई करवाएं। हमारा चैनल, हमने फिर से बोल रही हूँ कि हमारा चैनल एक्सपीरियंस्ड लेडीज के लिए नहीं है, जिनको ऑलरेडी आती है, उनके लिए भी है, आती है, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस लेडीज में बहुत ही लंबा क्या हुआ खाने को, हम शॉर्ट करके बताते हैं, लेकिन हम बेसिक, हमारा जो मतलब टारगेट है ना, वो मतलब बैचलर्स बोल, दुल्हन है, दुल्हन है, नई नवेली दुल्हन के लिए बोल रहे हैं बिचारी, तो हम पकाते रहेंगे, गोल्डन जैसी हो जाएगी तो फिर हम आपके आप मिलते हैं। ओके, ये देखें कितनी अच्छी फ्राई हुई, गोल्डन किया है मैंने, ब्लैक नहीं किया, ठीक है। यहाँ मैं खड़ा मसाला डालूंगी, इसको हल्का सा रोस्ट कर ले, खिड़की बंद करो, कौवा आ रहा है अंदर, आपको काटने, आपने झूठ बोला है क्योंकि मैंने किया था, अच्छा राहिल ने किया है भाई, ये अदरक लहसुन भी डाले, और इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, खुशबू देखिए कितनी प्यारी आ रही है, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन नहीं चल रहा है ना, नहीं सब अंदर ही आ रही है, बाहर नहीं जा रही, कुछ नहीं है नहीं, बाहर भी जानी चाहिए ना मोहल्ले वालों को। अच्छा ये देखिए, अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर रही हूँ, करते हैं, गोश्त ऐड करने की रसम अदा हो रही है, यहाँ हमने सारा गोश्त ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से मिक्स करें, अब इसके अंदर हम थोड़ा पानी डालेंगे। अच्छा अब ये, हाँ देखिए मैं थोड़ा पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना मसाले डाल रहे,
पानी क्यों डालनी है थोड़ा? इसलिए क्योंकि वो नीचे सिर्फ ऑयल है, आप डालेंगे ना तो अक्सर क्या होता है मसाले डालते डालते वो अकड़ने लगते हैं। अच्छा, धनिया डाले, पानी ज्यादा डाल देंगे तो अच्छा है ना, ज्यादा लोग खा लेंगे। हमें बुनाई करूंगी थोड़ी, रेड चिली मैं एंड में डालूंगी भाई, कुकर मैंने बंद कर दिया। रेड चिली कितनी है बता दी क्वांटिटी स्टार्ट में, जो हमसे स्टार्ट से जुड़े हुए थे ना उनको पता, जो बीच में आए, बीच में आए, चलो उनके लिए बता देती हूँ। दो टेबल स्पून, टू टेबल स्पून बस बस सही है, हाफ टेबल स्पून धनिया का पूछा ही नहीं हमने आपसे। जी ऑप्शनल मसाला, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाला करें। हाँ हाँ, हल्दी ठीक है, नहीं तो हमारा मसाला हम भी लॉन्च करने वाले हैं, आपने बताया नहीं अपने व्यूअर्स को, अभी करेंगे थोड़ी देर में। ये देख मसाला, गरम मसाला, नहीं नहीं बता रही आप, देख ले ये है रिश्ता व्यूअर्स से। चलो मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, ये देखे मैंने इसमें डाल दिया, मैं इसको अच्छे से करूंगी मिक्स और यहाँ मैं थोड़ी इसकी करूंगी भुनाई। देखे पानी मैंने कितना डाला है, थोड़ा सा डाला है, ज्यादा नहीं है। वैसे मेरा जो तजुर्बा कहता है ना भुट्टो के दौर से लेकर और अभी तक का, तो थोड़ा पानी और ऐड होना चाहिए। ये मेरी रेसिपी है, इसमें आप कुकर बंद करेंगे। ये मैं राहिल को नहीं समझ आया, राहिल से फिर से हम यही रेसिपी पकवाएंगे ठीक है। आप लोगों ने वीडियो छोड़नी नहीं है, यहीं पे राहिल के सवाल का जवाब मिलेगा। 2028 में बनाऊंगा ठीक है। अब यहाँ पे देखें मीडियम फ्लेम पे मैं इसको भुनाई करूंगी, ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, सिर्फ 5 मिनट भुनाई करेंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं करने राहिल की तरह ठीक है। चले भुनाई कर ले फिर हम आते हैं। ओके ये देखें बिल्कुल मैंने मीडियम आंच पे इसको भुना है और ऑयल कितना अच्छा इसके आया है ऊपर ठीक है। अभी इस स्टेज पे और इसे 5 मिनट भुनाई करी, मैंने ज्यादा नहीं करी है, इस स्टेज पे इसमें पानी डाले उतना जितने में आपको लगे कि जी गोश्त गल जाएगा ठीक है। तो यहाँ मैंने करीबन 3 कप पानी समझ रहे हैं वो रखा, गाय का गोश्त ठीक है, भैंस का हो तो 4-5 कप भैंस का भी होता है ना, थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें हो सकता है ना गले, थोड़ा सा और डालूंगी मैं। एक्वाफिनो डाल दिया आपने, यहाँ पे 1 कप मैंने और डाला है। कौन डालता है ये साथ की बस, अब यहाँ पे क्या है कि एक उबाल ला के हम कुकर को कर देंगे बंद, तेज कर दे चूल्हा, यही सेम प्रोसेस आप पतीले में भी पका सकते हैं ठीक है। और यहाँ तक पहुँचने के बाद सोचे कि आप इसमें डालना क्या है, क्यों एक बात है वैसे, देखिए ये जब बन जाएगी ना ग्रेवी तो इसमें फिर आपकी मर्जी शलजम डालें, टिंडे डालें, पालक डालें, गोभी डालें, आलू डालें। हाँ शलजम, टिंडे, चुकंदर, मतलब ये मैं आपको टिप बता रहा हूँ, मेन ग्रेवी ये है जो हम बना रहे हैं। सही है, चले आप लगाए ढक्कन लगाए माथे पे। वाह सही है तोड़ दी बोटी। ये जो है ना गोश्त गल चुका है ठीक है, मैंने कुकर खोल दिया था और करीबन मैंने आधा घंटा इसको गलाया है और देख ले पानी किधर गया, बचिया था ना ये ठीक है, सिर्फ ऑयल रह गया है। अब मैं इस पोजीशन में मैंने अभी फ्लेम फिलहाल बंद कर दिया है, टमाटर और ये हरी मिर्च देखे मैंने नहीं डाला था टमाटर क्योंकि उससे गोश्त अकड़ जाता है, ना नमक डाला था, टमाटर और हरी मिर्च को ऐड कर दे, नमक भी नहीं डालना चाहिए गोश्त अकड़ जाता है, फ्लेम को नमक को भी बिल्कुल ना जब गोश्त गल जाए फिर डालें इन चीजों को और अच्छे से इसको कर दे मिक्स। अच्छा बंद फ्लेम में ही आपने ये टमाटर डालने? नहीं अब खोल लो यार, अब तो खोल सकते हैं, मतलब खोलना भूल गई थी, खोलना भूल गई थी, देखे मैंने डाल दिए ठीक है। यहाँ मैं थोड़ी क्या गोभी डालूंगी, अब ये सारी गोभी एक साथ नहीं जाएगी, डालते ही टमाटर डालते ही गोभी, हाँ अच्छा ये भी हो रहा है, सारी नहीं जाएगी क्या मतलब, बाकी सलाद के लिए बचाएंगे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जाएगी सब जाएगी लेकिन हिलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले थोड़ी गोभी को हम डालेंगे और इसको नीचे बैठने देंगे, नन्हे मुन्ने मतलब हाथ होते हैं तो हाँ सही, हाँ छोटे मेरे हाथ हैं छोटे छोटे से, समरा के बात नहीं कर मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इतनी डाल दी मैं इसको मिक्स करूंगी, हो सकता है कैमरा मैन की हमें जरूरत पड़े वो हिलाएं, सच में मेरा हाथ बहुत छोटा है, आ जाए कैमरा ले ले पकड़ ले, वाह समरा आपने तो बड़ा अच्छा मिक्स कर लिया, इसको अच्छे से ऊपर नीचे करें मिक्स करें, हाँ। और अपने हाथों की फिकर गोश्त की फिकर करें लेकिन गोश्त ना टूटे ना गला, गोश्त ना टूटे ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए नीचे बैठने दें, फिर और गोभी डालते हैं, तब तक तो ढक दें नॉर्मल, हाँ कुकर बंद ना करें पर ढक्कन से ढक दें, ये देखें ये कितनी गीली गीली हो गई है और बैठ गई नीचे, बैठ गई है अब, और अब मैं सेकंड राउंड अपनी बकाया गोभी डाल दूंगी, और ये देखो इससे क्या हुआ एकदम से आपका कुकर भी मुंह तक नहीं आया और आपको हिलाने में भी जगह मिली, वरना अक्सर लोग सारी गोभी एक साथ डाल देते हैं फिर बैठ तो बैठने देते हैं, तोरी के साथ भी यही होता है बेचारी, तोरी के साथ ये देखें
वो भी गायब हो जाती है, किलो डाल लेंगे तो आधा किलो के करीब रह जाती है। हमारे पास है, दिखाऊं गोभी एक्स्ट्रा रखी है हमारे पास है। सेफ सेफ प्लेस रहने दें उसको, वॉल्ट के अंदर है, उसके पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर खुलता है वो वॉल्ट। क्या हुआ? हाँ। क्या नहीं मिल रहा आपको? ये मैंने डाल दिया और मैं अब इसमें कोई पानी नहीं ऐड कर रही, बस मामूली से पानी डाले, मामूली से डाले भाई, डालूंगी वो भी इसलिए कि ये देखे मेरा चमचा थोड़ा सा, चमचा भी धुल गया, बस बस चले। अब इससे ना नीचे लगेगी ना, टमाटर अपना काम कर रहा है, ये देखो सही है। वाह जी बिल्कुल सही, टमाटर अपना पानी छोड़ेगा और यहाँ पे आप चाहे तो ना डालें, बहुत सूखी बना लें। हाँ। हम थोड़ा दगा के खाने के लिए ना, अलग से उतर जाए नीचे ताकि तर। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, यहाँ मैं फिलहाल 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, फिर मैं चेक करूंगी अगर जरूरत लगी तो और डाल लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, राहिल आप भी बोल दिया करें, मरियम मूसा देसी फूड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ। बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया करें तो लाइक दे लाइक दे दिया करें, पसंद ना आए तो कमेंट करके बताएं इसमें क्या पसंद नहीं आया। बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और ये देखें बकाया गरम मसाला इसमें हमने डाला, वाह जी ठीक है। ये बचा लें, ये बचा लें, अच्छा चलो आप और इसको चाहे तो अब आप कवर कर दें और इसको 10-15 मिनट स्लो आंच पे पकाएं। यहाँ 15 मिनट मतलब हल्की आंच पे, इसलिए कि उससे क्या होगा वो भी अपना टेस्ट अंदर छोड़ेगी। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन मुझे जल्दी है तो इसलिए मैं कुकर बंद कर नहीं तो अंडिया बंद कर दे, ठीक है। ओके खास नाम होता है, सुना मैंने, ठीक है माशाल्लाह, लेकिन कितना प्यारा, मैंने सुना है इसका कुछ नाम होता खास, इसको पता नहीं, इसको करम कल्ला कहते हैं, है हम तो गोभी बोलते हैं, गोभी गोश्त, ठीक है। ये देखें करी में ऑयल कितना इतना चाहिए होता है, कितना अच्छी ग्रेवी बन गई। और अगर आप सुखाना चाहें तो सूप थोड़ा सुखा, आपके ऊपर मर्जी है, हम इतना ही खाते हैं, ठीक है। असल में हम जो बनाते हैं वीडियो में वो हम खाते भी हैं, ये हमने खाना भी होता है इसीलिए बनाया, इसको ट्राई करके दीजिए। अब आपको सर्व करेंगे, लेकिन सर्विंग नहीं, ये मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये गर्म होता है ऑब्वियसली, सर्विंग होगी देखें, सैलेड बनाया होगी, चले भी डिश आउट पे हम आपसे मिलते हैं, करके फिर आपसे मिलती हूं। ओके तो ये देखें गोभी गोश्त बनके तैयार हो चुका है और कितना टेस्टी लग रहा है, जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी, आपके घर वालों को कैसी लगी। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, कोई फरमाइश हुआ करे तो वो भी बता दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, मरियम मूसा देसी फूड एंड व्लॉग्स, और करवा भी लिया करें, करवा भी लिया करें, घर में भाई बहन बहुत लोग होते हैं, कजन बहुत बहुत, चाचू चाची मामा मामी, मोबाइल फारिग होता है उनका भी, उसे भी ले सकते हैं आप लोग, और बराबर में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दिया करें, करके हमारी वीडियो की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।